बिना मावा बिना खोया घर के ही सामान से टेस्टी से हम बर्फी बनाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नुम्स किचन में आपका स्वागत है। बर्फी बनाना हो तो उसमें घी ज़्यादा लगता है, उसके साथ मावा या खोया होगा तो ही हमारी बर्फी टेस्टी बनती है। लेकिन आज हम बहुत कम सामान में टेस्टी से बर्फी बनाने वाले हैं। आप इसे जल्दी से बना भी सकते हो, टाइम भी कम लगता है और उतनी टेस्टी भी। वीडियो लास्ट तक देखिए, चलो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में डाला था घी। घी में डाल देंगे एक बाटी मैदा और मैदे को स्लो गैस पे हम भूनने वाले हैं 8 से 10 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम स्लो रखनी है और कंटिन्यूसली आपको हिलाना है, नहीं तो मैदा नीचे से जल सकता है। यहाँ पे देख सकते हो मैदा का कलर चेंज हो रहा है। इसमें डालने वाली है और 2 टेबलस्पून घी और इसे हम स्लो गैस पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मैदा हमारा अच्छी तरह से भून गया, आप देख सकते हो साइड से घी भी निकल रहा है। इस तरह से हमें मैदे को भूनना है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करने वाली हूँ। मिश्रण हमारा ठंडा हो रहा है तो इसमें मैं रही हूँ एक टिफिन। टिफिन को लगाया है थोड़ा सा घी, उसमें डालने वाली हूँ काजू के बारीक कटे हुए पीसेस। आप चाहे तो अखरोट या फिर बादाम या फिर पिस्ता से भी डाल सकते हो, लेकिन घी लगाना जरूरी है। देख सकते हो मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो, पूरा भी ठंडा नहीं करना है। इसमें डालने वाली हूँ वैनिला एसेंस के 3 बूंदे। आप चाहे तो यहाँ पे वेलची पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे वेलची की टेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं वैनिला एसेंस डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी दूसरा ऑलिव एसेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एसेंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण हमारा थोड़ा सा ठंडा हुआ है, पूरा गर्म भी नहीं चाहिए और ठंडा हम छू सके इतना ही आपको गर्म चाहिए। तो एक बाटी मैदा लिया था, उसमें डालने वाली हूँ 1/2 कटोरी पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी ली तो मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिश्रण को मैं डालने वाली हूँ टिफिन में। आप चाहे तो छोटा वाला केक टिन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। मिश्रण को अच्छी तरह से स्पून की सहायता से इस तरह से सेट कर लेंगे और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट होने के लिए हम छोड़ने वाले हैं 1/2 से 1 घंटे के लिए। फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी अच्छी तरह से सेट हो जाती है। एक घंटा हो चुका है, बर्फी का मिश्रण भी हमारा सेट हो चुका है। इसे साइड से इस तरह से छोड़ लूँगी और एक नीचे प्लेट रखी है उसमें इस तरह से हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हो आसानी से बर्फी हमारी निकल जाती है। इसे हम थोड़ा सा और ठंडा करेंगे फिर उसके बाद ही कट कर लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत कम सामान में और टाइम में रेडी होने वाली मैं देखी टेस्टी सी बर्फी खाने के लिए रेडी हो चुकी हैं। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोमिस किचन।